अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन का सूप बनाने लगी हूँ अंडा डाल के, जिसके लिए मैंने एक पाव चिकन लिए और उसको मैंने पानी एक चार गिलास पानी डाल के उसको ना मैंने गलने के लिए रख दिया। तो अभी ये थोड़ी सी गलेगी। इसके अंदर मैंने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने गलाने के लिए रखा है। बस ये थोड़ी सी गलेगी तो फिर मैं चिकन निकालूंगी इसमें से। उसके बाद फिर मैं ये देखें उसमें मसाले डालूंगी। ये है एक चम्मच छोटी काली मिर्च है, नमक है, ये कॉर्नफ्लोर है, एक अंडा है और ये है एक चम्मच मैंने सिरका लेके उसके अंदर हरी मिर्च एक काट ली है मैंने। तो अभी चिकन गलती है तो फिर आपको आगे का मेथड दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, चिकन को निकाल के मैंने श्रेड कर लिया, रेशे रेशे कर लिए हैं और साथ ही मैंने ना ये एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मैश कर लिया है। अभी यखनी के नीचे मैंने दोबारा से हीट चला दिया। अभी ये बॉयल आएगा तो फिर मैं इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह डालूंगी। ये देखिए साइडों से पकने लग गया, तो पकेगा तो फिर साथ ही मैं ये एक चम्मच काली मिर्च है और एक ही चम्मच नमक है और ये छोटे चम्मच है। आप लोग जब बनाए तो आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं चिकन डाल दूंगी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर साथ ही जब इसको बॉयल आएगा ना तो साथ ही मैं इसके अंदर फिर कॉर्नफ्लोर जो मैंने पानी के अंदर मिक्स किया है फिर वो डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों कैसे पक रहे हैं। अब मैं इसके अंदर साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और साथ साथ चम्मच लाऊंगी। आप ये आप लोग अपनी मर्जी से गाढ़ा रख सकते हैं, जितना आप लोगों ने गाढ़ा करना हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो ये आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना किया है, थोड़ा सा ये और पके ना तो फिर मैं इसके अंदर अंडा डालूंगी। और आप लोग नमक मिर्च अपने लिहाज से भी डाल सकते हैं। सर्दियों के लिए ये खासकर सौगात है, सर्दी से बचने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए दोस्तों इतना गाढ़ा हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालूंगी, अंडा जो कि मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ साथ चम्मच चलाते जाऊँगी ताकि ये एक जगह पर ना जमा हो जाए और ये सारा टूट फूट जाए अंदर, क्योंकि टूटा फूटा ये अंदर अच्छा लगता है, एक जगह पर जमा किया हुआ नहीं अच्छा लगता। और तेज तेज से चम्मच चलाऊंगी मैं। और ये देखें साथ ही मैं ये डाल दूंगी जो मैंने एक चम्मच सिरके के अंदर हरी मिर्चें डाली थी, मतलब कि ये इनको कह सकते हैं आपके सिरके वाली मिर्चें। ये देखें मैंने सारी डाल दी। ये देखें दोस्तों हमारा सूप बिल्कुल रेडी है और ये मैंने ऊपर सॉस डाला है, वो भी मैंने थोड़ा सा एक चम्मच सिरके का लेके उसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया था चिल्ली सॉस, तो वो फिर मैंने ऊपर ऐसे करके गार्निश कर दिया। तो ये देखिए मेरा इतना गाढ़ा सूप मैंने बनाया। आप लोग जितना आप लोगों को पसंद हो आप लोग उतना बना सकते हैं और मिक्स करके ऐसे मिक्स कर लें आप लोग, और आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना है। तो दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड चिकन क्रिस्पी और ये देसी स्टाइल में बनाने लगी हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिए और इसके ऊपर ऐसे मैंने कट लगा लिए। ये देखिए सारी के ऊपर कट लगा लिया। मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। ये है हल्दी है आधा चम्मच है छोटा, और ये नमक है एक चम्मच है छोटे वाला, लाल सुर्ख मिर्च है, और ये धनिया पाउडर है, गर्म मसाला है, काली मिर्च है और ये सूखा धनिया है, जीरा पाउडर है सॉरी, ये डाल रही हूँ। और इसके साथ मैं एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ये है कॉर्नफ्लोर है, ये दो चम्मच डाल रही हूँ। आप लोग इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं।
और ये है बेसन डाल रही हूँ, और बेसन के ये 3 चम्मच हैं, ये जाएगा अंदर, और ये 1 चम्मच लेमन जूस का जाएगा। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फिर मैं ये 1 चम्मच ये चला गया, अब 2 चम्मच मैं दही के डालूंगी। अभी इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जहाँ पे कट लगाए हैं वहां पे अच्छे तरीके से हाथ फेरिएगा ताकि मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए मसाला थोड़ा सा मेरा ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए और सारी बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। अभी ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से लग गया, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। ये देखिए दोस्तों आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट किए हुए, और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर पीस करके डालूंगी और हल्की हीट पे इनको मैं पकाऊंगी, क्योंकि तेज हीट पे पकाएंगे तो ऊपर से ये पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो हमें ये अंदर तक पकाने हैं। देखो ऐसे मैं थोड़े से पीस साथ डाल दूंगी। इनको मीडियम हीट पे पकाना है, ज़्यादा तेज हीट पे नहीं पकाना ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। बस इतने पीस काफ़ी है, इनको थोड़ी देर तक मैं दिखाऊंगी जब पलटूंगी। ये देखिए दोस्तों मैं इसको पलट रही हूँ, और मैं ये 5 मिनट बाद पलट रही हूँ इसको, और हल्की हीट पे मैं पका रही हूँ इसको। ये देखें एक साइड से इनका कलर ऐसा आया है, अब 5 मिनट और लगाऊंगी इसको हल्की हीट पे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों रेडी हो गया है हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और मैंने चिप्स के साथ सर्व किया है, साथ में दही का रायता है, केचप है, आप लोग भी जिसके साथ मर्जी सर्व कर सकते हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।